जिसके भी चैनल पर आज के टाइम पर व्यूज नहीं आते हैं सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे वाच टाइम नहीं बढ़ रहे उनके लिए यह वीडियो है पूरी देखना आज आप लोगों को मैं ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और आपके व्यूज भी बढ़ेंगे और आपका वाच टाइम भी बढ़ेगा अगर आपका चैनल मोनिटाइज नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देखो आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा नमस्कार दोस्तों यहां पर आप स्क्रीन देख रहे हो मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा बट डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आता हूं ये नहीं घुमाऊंगा कि मेरे पुराने चैनल पर मैंने व्यूज कैसे लेके आया वीडियो वायरल कैसे करी इसको मैंने कैसे उठाया फलाना किया धिकड़ा किया यही सब करने करने में पांच सात मिनट निकाल गए वीडियो पहल दूंगा और बाद में बोलूंगा ये करिए वो करिए बस वीडियो खत्म ठीक है बाय बाय पर मेरे पास ऐसा बड़ा फार्मूला नहीं है भाई मेरे पास ये है डायरेक्ट अपना चैनल देखो जो खोल रख्या ये है टेक चैंपियन सपोर्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं भाई अगर आप लोगों के पास स्कूल है स्कूल नहीं है चलो कोई नहीं अगर आप लोगों के पास घर में बड़ा आंगन है उसमें बैठक है उसमें चार पांच चार पाई डली हो या फिर आपका वहां पर पारक हो आपके घर में है नहीं है तो फिर यार तो फिर आपके व्यूज कैसे आएंगे यार यही तो फंडा है 2023 के अंदर अगर आपके घर पे आपके आपका आपके पास स्कूल नहीं है आपके घर में जगह नहीं है बड़ा सा हॉल नहीं है आपके घर घर के अंदर पार्क नहीं है बेंच नहीं है पेड़ पौधे नहीं है घर में तो फिर आप लोग यार कैसे व्यूज लाओगे यार यही तो फार्मूला है अगर इस फार्मूले को आप अपनाओगे ना पहले तो स्कूल बनाओ <laughs> कम से कम पांच इतना बड़ा बना लो जितना बाबा जी ने बनाया इतना बड़ा कम से कम स्कूल बनाओ और उसमें आगे पार्क छुटवाओ और वहां पर पांच सात बेंच लगाओ और संडे टू संडे वहां पर 10-20 आदमी इकट्ठा करो और बोलो मैं YouTube पर वीडियो बढ़ाता हूं मेरा इतना सब्सक्राइबर है आपकी क्या दिक्कत है आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे व्यूज नहीं बढ़ रहे बस यही फार्मूला दिखाओ आपका चैनल गोरो जी हाँ अरे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बस हर संडे को चार पांच आदमी इकट्ठे करो और वहां पर ज्ञान पेल दो जैसे बाबा पेलता है हाँ <laughs> जी हाँ मतलब गलती बाबा की नहीं है भाई गलती है उन लोगों की जो लोग बाबा के पास जाते हैं मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कल एक बाबा जी ने वीडियो डाली थी ये प्ले करता हूँ तो भाई मेरे को पता है पहले देख देख लो लो अब आ रही है भाई देख लो पहला हाँ। इसी से तो पैसा मिलता है और आप लोगों को भी पैसा यूट्यूब पर तभी मिलेगा जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा मोनेटाइज होगा तो ऐड आएंगे ऐड आएगी तो पैसा आएगा ठीक है यहाँ पर देखो मैं इस थोड़ी वीडियो का आगे कर देता हूँ ये ये देखो चार मिलियन पे चौदह सौ रुपए की कमाई हुई है इस वीडियो पे मतलब बाबा जी यहां पर दूसरों के चैनल की कमाई दिखाता है दूसरों के चैनल को बताता है ये है वो है ऐसे वैसे बस उसी से व्यूज आते हैं इस वीडियो पर व्यूज आए कैसे नेगेटिविटी नहीं फैला रहा भाई आप लोगों को ये बता देता हूं कि टेक कैटेगरी वालों के पास कोई भी अभी ट्रिक एंड ट्रिप्स नहीं है और ना ही कोई ऐसी पावर है या ना कोई ऐसा ट्रिक है ना ट्रिक ट्रिप्स है वो बोलते हैं ट्रिक एंड ट्रिप्स ले, ले लो और वीडियो वायरल कर लो हा जाओ जिसके पास मिलती है जाओ यहां से भागो आप लोगों की मेरे को जरूरत नहीं है जरूरत उनकी है जिनको वीडियो बनानी है यूट्यूब से पैसा कमाना है वो अपनी फोकस डालो भाई वीडियो बनाने पर बाबा जी फोकस किस पे डालता है वीडियो बनाने पर ध्यान से सुनो ये वीडियो बनाने पर फोकस डालता है वीडियो बनाने का फोकस मोटिव जो था ना इसके पास जो फार्मूला था चैनल कैसे बनाए टाइटल कैसे डालें डिस्क्रिप्शन डालें ये सब आप लोगों को आज के टाइम पर नब सो में से नाइन्टी परसेंट लोगों को मतलब नब्बे परसेंट लोगों को अभी ये पता है कि कैसे टाइटल डालना है कैसे डिस्क्रिप्शन लगाना है कैसे थमने लगाना है और कैसे वीडियो अपलोड करनी हो कैसे चैनल बनाना है और अब ये चीजें आप लोगों को बताने से आप लोग वीडियो नहीं देखोगे अब आप लोगों को क्या दिखाएंगे चार पांच आदमी हो लेडीज हो ठीक है लड़के हो, कोई भी हो मतलब अगर उनको मैं दिखाऊंगा यहां पर देखो इसने ये कमाया इसने ऐसे किया वैसे किया बस आप लोगों को उसी से आकर्षित कर लेंगे अपने चैनल पर जी हाँ उसी चीज को दिखा करके आपको आकर्षित करेंगे और अभी इस पर देखो कितने व्यूज आए हैं मैं आपको दिखा देता हूं ध्यान से यहां पर देखो इक्यासी हजार व्यूज आए हैं ठीक है और बाबा जी की मैं और वीडियो पर दिखाता हूँ यहाँ पर देखो कितने बत्तीस हजार पच्चीस हजार उनतालीस हजार इक्कीस हजार ठीक है ध्यान से देख लो कहीं आप लोगों को लगा कोई बाबा जी के पास कोई ट्रिक एंड ट्रिप्स है कुछ नहीं है जो भी है वो मैं बताने लग रहा हूँ क्या ट्रिक एंड ट्रिप्स है ठीक है तीस हजार बाईस हजार बाईस हजार जिसमें बाबा जी आप लोगों को दो लाख की बाइक गिफ्ट देने वाला है और मैं बता दू अपने रिश्तेदारों को किसी ना किसी को देखा <laughs> जी हाँ भाई ये बिल्कुल भाई मेरे को तो ये लग रहा है कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट आया था कि बाबा जी दो लाख की गिफ्ट देने वाले हैं वन मिलियन सब्सक्राइबर पर आप क्या दोगे मैं दूंगा तुमको बैंगन ठीक <laughs> सही कह रहा हूं आप लोगों को क्योंकि आप लोगों को बस यही चाहिए कौन गिफ्ट दे रहा है कौन अवे कर रहा है अब गिव अवे गया भाड़ में दस बीस हजार लाख का तुम गिवी वे के चक्कर में पढ़ते हो जितना तुम दिमाग वे लेने के चक्कर में रहता है ना उससे अच्छा अपनी वीडियो वीडियो बनाने फोकस करो अब वीडियो क्या बनानी है अभी एक एक्टिव राहुल जी भाई साहब की मनाज एक वीडियो देखी उसने कहा कि मैंने अपने चैनल के डायरेक्ट मैनेजर से वीडियो कॉल पर बात करी अच्छा इंग्लिश में मतलब यूनाइटेड स्टेट का होगा हिंदी में अरे हिंदी में कर ली होगी यार मना थोड़ी कर रहा हूं हिंदी में भी कर ली होगी अब यहां पर वो क्या कह रहा है पता आप लोगों को कह रहा है मैंने अपने लोगों, अपने उनसे बात करी वो कह रहा है आपकी जितनी भी ऑडियंस है वो सारे गधा है मतलब गधे के जैसे यूट्यूब पर काम करती है उनको यही नहीं पता कि यूट्यूब पर आए किस लिए है तो उसने ये बताया मैनेजर ने कि आप उनको ये बोलो कि पहले सीखे जी हाँ वीडियो बनानी सीखे क्या करना क्या नहीं करना उसके बाद यूट्यूब पर आए हाँ जैसे ये भी YouTube पर सीख के ही आया था <laughs> मैं आप लोगों को बात को बात घुमाता नहीं हूं छोड़ो सारी बातें भाई यहां पर आप लोगों को मैं एक बात बताता हूं व्यूज लाने का एक फंडा होता है मैं इसको हटा देता हूं इसको मैं ज्यादा लंबा नहीं करता चैनल पर जो व्यूज आते हैं ना वो व्यूज कैसे आते हैं सुनो आज आप लोगों को मैं खुला बता देता हूं भाई जो इन चैनलों पर मैंने जो मेहनत मैं करी इन पर मेरे व्यूज कैसे आते थे मैं वो थोड़ा सा शेयर कर देता हूं कि इन पे मेरे लाखों में सब्सक्राइबर थे ठीक है आप लोगों ने देखा होगा पीछे एक बार टमाटर के ऊपर महंगा हुआ था प्याज लगा लो प्याज लगाओ टमाटर छोड़ो इसको प्याज लगाओ ठीक है ये प्याज है प्याज महंगा हुआ था सौ रुपए के जी हुआ था फिर ये हुआ था शायद ढाई सौ के जी भी हुआ है क्या मेरे को नहीं पता भाई एक बार प्याज की महंगाई हुई थी दो हजार लगा लो ये शायद कोरोना काल कोरोना से पहले हुआ था शायद कोरोना के पास पास हुआ था तो सौ रुपये हुआ था डेढ़ सौ रुपये हुआ था मेरे को भाई इतना नहीं पता पर हुआ था तो उसके ऊपर मैंने इन चैनल पर एक पे वीडियो बनाई थी और उस वीडियो पर मेरे मिलियंस में व्यूज आए थे किसमें मिलियंस में तो क्या टॉपिक खोजा मैंने प्याज ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा था अब टैक कैटेगरी में क्या ट्रेंडिंग टॉपिक चलेगा भाई पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ टैक कैटेगरी में कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं चलता जी हाँ आज जो भी मैं वीडियो लिया है वायरल हो गई तो वो ही ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाएगा हाँ सुनो। आज के टाइम टेक कैटेगरी में अगर एक बंदे की वीडियो वायरल हो गई चैनल कैसे बनाए तो सारे के सारे टेक कैटेगरी वाले उसी वीडियो को पकड़ लेंगे चैनल कैसे बनाए अगर कोई होगा ये कि वीडियो वायरल करने का सीक्रेट तरीका तो सारे यही बनाएंगे सीक्रेट तरीका और थंबनेल कैसे थंबनेल तरीका तो यही है अगर आप लोग फोकस तो कर रहे हो आपका भाई पहली बात तो आप लोगों के माइंड में ये होना चाहिए कि आप लोग वीडियो बना रहे हो किस लिए बना रहे हो पैसा कमाने के लिए बना रहे हो जी हाँ पैसा कमाने के लिए वीडियो बना रहे हो पर वीडियो बनाने से पहले ये सोचना है कि आप जो वीडियो बना रहे हो उस वीडियो में क्या दिखाना चाह रहे हो लोगों को ध्यान से सुनो क्या दिखाना चाह रहे हो कॉमेडी दिखा रहे हो तो कॉमेडी को कॉमेडी के तरीके से ही बनाना ये नहीं बाबू जी कॉमेडी है देख लो हाँ ऐसे तुम्हारी कोई बाबूजी कॉमेडी नहीं देखेगा चाहे उसके पानी मार लियो चाहे उसके पैरों में पड़ लियो फिर भी आप लोगों की वीडियो को नहीं देखेगा दूसरी बात अगर आप लोग बताते हो कि हम सब्जी बनाना सिखा रहे हैं तो ढंग से सब्जी बनाना सिखाएं सबसे अलग तरीके से क्योंकि YouTube पर भरे पड़े हैं सब्जी कैसे बनाएं तो आप भी आप भी किसी की कॉपी करके बनाओगे आलू की सब्जी में पहले तेल डलेगा फिर जीरा डलेगा फिर उसमें लहसुन डलेगा ठीक है उसमें फिर प्याज डलेगा प्याज पकने के बाद फिर उसमें टमाटर और अलाना फलाना गेर के बन गई आलू सब्जी अब ये सब तो सब ने बताया आप बोलो कि पहले कुकर को धो अच्छी तरीके से नया नया फार्मूला बताओ उसमें सरसों का तेल घेर के उसके बाद पहले लहसुन घेरो और वो घेरो जीरा अब यार ये सारी चीजें मैं बता दूंगा सब्जी बनाना सिखा रहा हूँ आप लोगों को नई ट्रिक बता रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ अलग करना होगा लोगों को ताकि ये लगे कि हाँ नई रेसिपी या नया कुछ आप लोगों को दिखा रहा कॉमेडी में है सब कॉमेडी बनाते हैं आप भी उसी तरह कॉमेडी बनाओगे तो नहीं चलेगी अलग दिखाओ समझ गए तो इस तरीके से आप लोगों को चलना होगा यूट्यूब के ऊपर कि अलग तरीके से क्या पब्लिक को दिखाएंगे ताकि पब्लिक को पसंद आए वो जो पसंद आएगा ना लोगों को तभी आप लोगों के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे व्यूज आएंगे तो सब्सक्राइबर पढ़ेंगे मैं गारंटी देता हूं हंड्रेड अगर आपके हजार व्यूज आ रहे हैं तो ये लगा लो कम से कम आपके चालीस या सत्तर अस्सी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे जी हाँ ये है फार्मूला व्यूज लाने का अगर आप लोगों का टेक कैटेगरी का चैनल है कुछ भी है तो चार पांच आदमी इकट्ठा करो अगर कोई मुझसे मिलना चाहता है तो इंस्टाग्राम पर करो हर संडे को आओ मैं भी चार पांच आदमी मेरे पास मिलने आएंगे मैं भी उनका चैनल खोल खोल के दिखाऊंगा देखो ससुरा ये गधे का बच्चा है ये उल्लू का पट्टा है ये बैंगन है ये इसको कुछ नहीं पता ये चैनल पर इतने सब्सक्राइबर है इतने व्यूज आ रहे हैं वीडियो अच्छे नहीं बना रहा अबे टाइटल ही अच्छा नहीं लगा रहा डिस्क्रिप्शन नहीं लगा रहा टैग नहीं लगा रहा और चैनल के सेटिंग में गड़बड़ है मतलब कुछ ना कुछ मैं आप लोगों को गड़बड़ बता दूंगा आपके चैनल में और आपको लगेगा की हाँ उडा भाई बिल्कुल सही बता रहा है गड़बड़ जरूर थी फिर वो उस गड़बड़ को सोच करके ये माइंड में बैठेगा कि हाँ मेरे चैनल में गड़बड़ थी उड्डा भाई ने पकड़ लिया अब मैं वीडियो बनाऊंगा ससरी जरूर उठेगी समझ गए ये होता है YouTube पर ट्रिक अब वही चैनल में उठाकर उसकी वीडियो बना दूंगा आप लोगों को दिखा दूंगा तो आप लोग भी इसको ध्यान से देखो कि इसका चैनल नया है व्यूज नहीं आ रहे अब बुढ़ा भाई इसमें देखो क्या ट्रिक एंड ट्रिप्स लगाएगा जिससे इसका चैनल ग्रो हो जाएगा भैंगण ग्रो हो जाएगा ये बाबा जी के पास कितने लोग मिलने आते हैं भाई मेरे को एक बात बताओ चलो मान लो इनके चैनल में कुछ गड़बड़ है इसने ठीक कर दिया तो क्या उसके चैनल पर वो वीडियो वायरल होने लग जाएंगी उसके चैनल से अगले महीने लाखों की अर्निंग होने लग जाएगी किस किस की अर्निंग हुई ये मेरे को कमेंट करके बताना भाई मैं आप लोगों को कहूंगा कि फिर तो आप जाओ बाबा जी के वहां डेरा लगाओ और बोलो हर हर बाबा यूट्यूब बाबा हमारा उद्धार करो सब छोड़ो वहीं जाओ वीडियो वीडियो मत बनाओ अबे वीडियो बनाएगा तो क्या होगा कुछ नहीं होगा बाबा जी की शरण में जाओ बगैर वीडियो एक बभूती उसकी एक फूंकार ले लो लोम कर देगा आपका बच्चा कल्याण बस उसी से आपका उद्धार हो जाएगा अगर ऐसे होता होता ना भाई तो मैं भी बाबा जी के जाकर चरण करता बाबा मेरी वीडियो नहीं चल रही मेरे चैनल पर पैसा अर्निंग नहीं हो रहा ऐसे ढोंग पोंग में जाओगे तो ढोंगपोंग ही करते रह जाओगे सारी जिंदगी पैसा कब कमाओगे बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और भाई किसी को मैं बुरा भला नहीं कहना चाहता इस वीडियो के अंदर बस आप लोगों को एक समझा रहा हूं कि आप लोग गलत लाइन पे चल रहे हो आप लोगों को चलना सीधा और आप लोगों को कोई, कोई सीधा ले जाने की बजाय ऐसे घुमा रहा है कह रहा नहीं यहाँ से जाओ बाबा के दर्शन करो बाबा यहाँ चैनल चेक करेगा उसके बाद आओ फिर घूम फिर के आपको वही भेज देगा अब अपने घर से चले ट्रेन में घूम के बाबा के पास गए फिर अपने घर में ही तो आओगे घर में आके वही के वही वैसे के वैसे अगले दिन से अरे ससरा व्यूज नहीं आ रहा बाबा ने भी चैनल चेक कर लिया लगता है मेरी किस्मत ही खराब है मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा और मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा यही नेगेटिविटी आपके दिमाग में आएगी और उसके बाद वीडियो बनाना बंद कर दोगे अगर नहीं आती है तो कमेंट करके बताओ यही नेगेटिविटी आप लोगों के मन में आती है तो ठीक है फ्रेंड फिर मिलते हैं नए वीडियो में जिसको बुरा लगा उस समाचार हूँ तो जय हिंद वंदे मान